जिससे फुटबॉल फेडरेशन मुजफ्फरगढ़ का अहम इजलास सदारत सरपरस्त आला मियां मोहम्मद अयूब कुरैशी साबिक आईजी की रिहायश गाह पर मुनक्किद हुआ। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल फेडरेशन मुजफ्फरगढ़ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में फुटबॉल के फरोग के लिए तजावीज और तंजीमी अमूर जेर बहस रहे। इजलास में बसीरा में होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट की प्रमोशन और लैया में जश्न बहारा के मौके पर होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए मुजफ्फरगढ़ की जानिब से नुमाइंदगी करने वाली टीम बारे फैसलों को बाहमी इत्तेफाक की राय से हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर सरपरस्त आला डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल फेडरेशन मियां मोहम्मद अयूब कुरैशी ने कहा, फुटबॉल फेडरेशन की तरक्की के लिए तमाम तक तवानाइयां गुरु एक कार लाऊंगा। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि चौधरी जुल्फकार मरूम जैसे अजीम इंसान जिन्होंने फुटबॉल के फरोग के लिए बेमिसाल खिदमात देकर तारीख का हिस्सा बन गए, उसके फरजंद चौधरी नूर आलम गुजर अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर फुटबॉल के फरोग के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सीनियर अहदेदारान ने कहा, हमने बहुत सारे अच्छे इकदाम फुटबॉल के फरोग के लिए तश्कील दी है और जिसके माशाल्लाह बहुत अच्छे नतीजे देना आने शुरू हुए फुटबॉल की। नूर आलम जी, सदर पार्क फाइटर फुटबॉल, हम लोग यहाँ अलहमदिल्ला 19 क्लब डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से उनके सब सदूर और सेक्रेटरीज बैठे हैं और अलहमदिल्ला हम लोग अयूब कुरैशी साहब की सरपरस्ती में फुटबॉल की तरवीज के लिए दिन रात की सरपरस्ती में हम आए हैं। इंशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ में आप बहुत अच्छे फुटबॉल पाएंगे। अलहमदुलिल्लाह कुरैशी साहब की सरपरस्ती च अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सबको एक अच्छी फुटबॉल मिली हो। अयूब कुरैशी साहब की वजह से हमने AFC का कोर्स किया, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का, फीफा का भी कोर्स हमने किया, फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का। मुजफ्फरगढ़ से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से 19 क्लबों के सरबराहान आए हुए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सरपरस्त आला जनाब मियां मोहम्मद अयूब कुरैशी साहब SIG बलूचिस्तान, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें वक्त दिया और ये जितने लोग भी हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये 19 क्लब अब रजिस्टर्ड हुए हैं जिनकी चैम्पियनशिप हुई है कामयाब तरीन और उसके बाद माशाल्लाह सब लोग इकट्ठे हैं। हमारा यही विजन है फुटबॉल को अच्छे तरीके से। मैं मोहम्मद अकरम रोहिला वाली से बोल रहा हूँ, अलमहदूम फुटबॉल क्लब का ऑफिशियल मेंबर हूँ और जनाब कुरैशी साहब की मरहून मिन्नत है ये सारी मीटिंग जो आज हो रही है और इंशाल्लाह इस मीटिंग में भी बहुत अच्छे फैसले लिए गए हैं। मियां अयूब साहब बेहद मशहूर हैं कि उन्हें ज़िला मुजफ्फरगढ़ एक दफ़ा दोबारा फुटबॉल को जिंदा कर दिते। उन्हें जितने भी साढ़े मुजफ्फरगढ़ के अच्छे क्लब हैं उन्होंने सीनियर मैंबरान को इकट्ठा करके अहदे दिते और उन्होंने टास्क दिते, ये उनकी बहुत बड़ी काबिश है, असा इन्हें को सराहने हैं और इंशाल्लाह असा इन्हें नाल रल के इन्हें जिला मुजफ्फरगढ़ के अंदर जितने भी फुटबॉल क्लब हैं उन्होंने नवे रूप के सू नवे खिलाड़ियों को खेला सूँ और इंशाल्लाह ताला ग्राउंड की रौनक बहाल करें सूँ और इन्हें शाना बशाना चल के जिला मुजफ्फरगढ़ तरक्की भी है और हम इनके शाना बशाना ही हैं और कभी नहीं छोड़ते, ये हमारे बेहतरीन दोस्तों में से भी हैं और मैं इनका साथी भी हूँ। फुटबॉल क्लब मुजफ्फरगढ़, हम कुरैशी साहब के मशहूर हैं कि उन्होंने फुटबॉल को फरोग दिया। कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल किया कि हम फुटबॉल की कुछ खिदमत कर सकें और ज़िले में। मैं शमशाद अली पार्क फाइटर फुटबॉल क्लब मुजफ्फरगढ़, हम तमाम दोस्त जो ना मियाँ साहब के पास इधर इनकी मेहरबानी से इकट्ठे हुए हैं। मैं IGL फुटबॉल क्लब से हूँ, मैं मियाँ मोहम्मद अयूब कुरैशी साहब का बहुत नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने फुटबॉल के जो ग्राउंड है उनको सजाया। आज ये सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो 19 क्लब्स हैं उनके ये प्रेसिडेंट्स आए हैं, ये हमारे एक मुस्तकिल फोरम है फैसला करने का, इसका नाम है सीनियर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस फोरम की खूबी ये है, इसमें हर मेंबर के पास वीटो पावर है, आज जो भी फैसला हुआ या इससे पहले जो भी फैसले हुए अगर किसी एक को भी इसमें कोई इख्तलाफ है तो उस वक्त तक बाकी लोग आगे नहीं बढ़ते जब तक वो एक भी एग्री ना कर लें। तो इस हिसाब से ये एक जमहूरी एक फोरम है जिसमें हर एक की राय का इख्तलाफ है।